हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज के एडिटोरियल देख लेते हैं। तो जो फर्स्ट थ्री आर्टिकल्स हैं वो तीनों इलेक्शन रिजल्ट पर बेस्ड हैं, तो हम इसको स्किप कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे है स्पीडी डिसेसिव। तो यहाँ पे दो क्रिमिनल केसेस में जो है ट्रायल कोर्ट्स ने डेथ सेंटेंस यानी कि मौत की सज़ा सुनाई है, कैपिटल पनिशमेंट दी है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या ट्रायल कोर्ट्स अंडर सोसाइटल प्रेशर है डेथ सेंटेंसेस देने के लिए। ठीक है, तो ये हम इस आर्टिकल में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे है हिडन फिगर ऑफ इंडियन साइंस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं कि इंडिया में साइंस एंड टेक को लेके या गवर्नमेंट का रवैया साइंस एंड टेक को लेके उसमें जो गैप्स हैं वो हम यहाँ पे इस आर्टिकल में देखने वाले हैं। फिर उसके बाद है फॉर अ साइबर स्पेस, सेफ साइबर स्पेस। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि यहाँ पे ये आर्टिकल जो है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है, और आज के टाइम पे जो है साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके साथ ही ये आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे कि आजकल आप जो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का फोकस जो है ज़्यादातर डिजिटल इंडिया बनाने पर है, ठीक है, और चाहे ट्रांजेक्शन हो चाहे कम्युनिकेशन हो, हर चीज़ में जो है आजकल हम डिजिटल मीडियम यूज़ कर रहे हैं। तो डिजिटल मीडियम यूज़ करने के साथ साथ जो हमें एक कन्वीनियंस मिलती है, ठीक है, एक कन्वीनियंट तो होता ही है, प्लस उसके साथ वल्नरेबल भी होता है थ्रेट्स को लेके, ठीक है, सिक्योरिटी थ्रेट्स को लेके। तो इसलिए यह आर्टिकल हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे है फोकस ऑन इनकम मोबिलिटी। और यहाँ पे ये जो डेटा पॉइंट है दोनों ही वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2018 पर बेस्ड है। तो इसको हम देखेंगे, इन दोनों को ही हम अच्छे से देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट आर्टिकल है स्पीडी डिसिसिव। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको जैसे बोला कि यहाँ पे दो क्राइम्स में जो है ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंसेस सुनाई है यानी कि कैपिटल पनिशमेंट दी है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो उठता है वो ये है कि क्या ट्रायल कोर्ट्स जो है अंडर सोसाइटल प्रेशर हैं कैपिटल पनिशमेंट्स देने के लिए। ठीक है, अगर तो हैं तो इसका मतलब ये कि लोगों में एक जो ट्रस्ट है वो ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, लोगों में एक ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा है। तो यहाँ पे जो है अगर हमें, अगर गवर्नमेंट को या अगर इंडियन जुडिशरी है उसको अगर पब्लिक ट्रस्ट अगर बनाए रखना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं टू फोस्टर पब्लिक ट्रस्ट इंडियन जुडिशियल सिस्टम। तो इसके लिए दो चीज़ें, पब्लिक ट्रस्ट के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। क्या? एक तो एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, एक तो एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, प्लस यहाँ पे जो है स्पीडी ट्रायल्स। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि कई कई साल लग जाते हैं, जजमेंट नहीं मिलता है लोगों को, ठीक है, कई कई साल हो जाते हैं, जस्टिस नहीं मिलता है लोगों को, डिले होता जाता है केसेस। फॉर एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल इस केस में जो है आरुषि तलवार का केस है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे केसेस हैं, सिर्फ वही नहीं, और भी बहुत सारे केसेस हैं। तो उनमें जो है एक जस्टिस नहीं मिल पाता है, डिले हो जाता है, 10-10, 15-15 साल तक हियरिंग चलती है। ठीक है, तो इसके लिए जो है एक तो स्पीडी ट्रायल्स की ज़रूरत है, एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये एफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन वाला पॉइंट। और क्या किया जा सकता है, व्हाट एल्स कैन बी डन? तो इसमें जो है फर्स्ट पॉइंट आता है, फॉर स्पीडी ट्रायल्स बोथ गवर्नमेंट एंड कोर्ट नीड्स टू फिल वैकेंसीज। ठीक है, हमारे चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनमें जो है वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। तो जब तक इन पोस्ट को जो है फिल करना होगा, ठीक है, जब तक जजेस नहीं होंगे जुडिशरी में तब तक जस्टिस नहीं होगा। तो यहाँ पे इन वैकेंसीज को फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा जो है, जो अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, जो जजेस की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, वो होनी चाहिए ट्रांसपेरेंट मैनर में। उस ट्रांसपेरेंट मैनर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जैसे कॉलेजियम सिस्टम में से अपॉइंटमेंट होती थी, फिर NJAC प्रपोज़ किया गया, बट इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप कर दिया, फिर अभी फिर से कॉलेजियम सिस्टम हो रहा है। अब इसको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो
ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जजेस की अपॉइंटमेंट में। उसके बाद यहाँ पे और आप देखो तो एक वेल डिफाइंड प्रोसीजर होना चाहिए, वेल डिफाइंड प्रोसीजर जो है वो होना चाहिए, ठीक है, जजेस को अपॉइंट करने में। फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है कि फ्री लीगल एड, वो लोग जो जो इतनी लंबी लंबी हियरिंग्स जो डिले होती है, ठीक है, फिर उसके बाद जो लॉयर्स होते हैं उनकी फीस और ये सब चीज़ें, जो जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जो पुअर पीपल हैं, वो इतना सब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनको जस्टिस भी नहीं मिल पाता है। तो फ्री लीगल एड जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रोवाइड करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है फास्टर ट्रायल्स, फास्टर ट्रायल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। और उसके साथ साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बट उसके लिए हमें चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड मोर जजेस, प्लस वी नीड अदर स्टाफ एज वेल, ठीक है। तो हमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का, कोर्ट्स का, ठीक, क्योंकि जितने ज़्यादा जब जजेस की ही कमी होगी तो जस्टिस मिलना मुश्किल हो जाएगा और स्पीडी ट्रायल्स जो है वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो इस आर्टिकल से रिलेटेड है कि अ डेथ सेंटेंस अवॉर्डेड बाय अ सेशन कोर्ट और एडिशनल कोर्ट, अगर कोई सेशन कोर्ट या कोई एडिशनल कोर्ट डेथ सेंटेंस, जैसे यहाँ पे है कि ट्रायल कोर्ट ने डेथ सेंटेंस सुनाई है, ठीक है, तो उस से ट्रायल कोर्ट, तो यहाँ पे है सेशन कोर्ट, एडिशनल कोर्ट शुड बी कंफर्म्ड बाय हाई कोर्ट, तो उसे जो है कंफर्म करवाना पड़ता है हाई कोर्ट से बिफोर इट कैन बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। तो चाहे ऊपर चाहे अपील करो हाई कोर्ट में या नहीं करो, बट उसे हाई कोर्ट से ही, हाई कोर्ट से उस डेथ सेंटेंस को कंफर्म करवाना पड़ता है। तो अंडर विच ज्यूरिडिक्शन दिस पावर ऑफ हाई कोर्ट लाइज, ठीक है। तो ये आपको सवाल, ये इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगी, तब तक आप इसका आंसर दो, ठीक है। आगे चलते हैं। हिडन फिगर्स ऑफ इंडियन साइंस, तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि बहुत सारे इंडिया मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस, आप कह सकते हो कि इंडिपेंडेंट इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडियन साइंटिस्ट हैं जो एक तरह से जिनको जो न्यूज़ में जिनके बारे में नहीं आता है और जिनके बारे में आम जनता को पता नहीं होता है, ठीक है, तो उन्हें जो है हिडन फिगर्स बोला गया है। उन लोगों को इतना एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाता है उनकी डिस्कवरीज को लेके, उनका नाम जो है इतना ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आता है, उनको इतना ज़्यादा एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है। तो ऐसे जजेस सॉरी ऐसे साइंटिस्ट हैं हमारे कंट्री में पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है, इंडिपेंडेंट इंडिया में ऐसे साइंटिस्ट हैं लेकिन उनको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिल पाता है। तो ये इस जो इसका टाइटल है वो ये कह रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला था कि इंडिया में जो है साइंस एंड टेक को लेके क्या क्या गैप्स हैं, हम उनकी बात करेंगे। तो गैप्स में जो है यहाँ पे सबसे बड़ी जो ऑब्स्टेकल है वो है फंडिंग, ठीक है, कि फंडिंग नहीं मिलती है इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको इतनी फंडिंग नहीं मिल पाती है। तो जब फंडिंग नहीं मिल पाती है तो आगे रिसर्च वर्क जो है वो नहीं हो पाता है। अब फंडिंग के लिए ज़रूरी है, फंडिंग डिपेंड करता है पॉलिटिकल क्लाइमेट पे, ठीक है, पॉलिटिकल क्लाइमेट पे। इसके चक्कर में मतलब जिस जिसकी जितनी ज़्यादा पॉलिटिकल पेट्रोनेज है, ठीक है, उसको उतनी ज़्यादा फंडिंग मिलती है, ठीक। तो एक तरह से कह सकते हो आपकी सरकार की हाँ में हाँ नहीं मिलाई तो ये फंडिंग जो है वो बंद हो जाएगी, कहने का मतलब ये। तो फंडिंग जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसकी वजह से बहुत सारे जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाती है। उसकी वजह उसके बाद सेकंड है कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट, तो यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट पॉसिबल नहीं हो पाता है इंडिया में, ये भी एक पॉइंट है। उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने थर्ड पॉइंट बताया कि प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं उनको प्रॉपर एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है, हिडन फिगर्स ही रह जाते हैं वो लोग, ठीक। फिर उसके बाद जो है
एक चीज़ ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फोर्थ पॉइंट, कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल साइंस पर जो है इतना फोकस नहीं है, यहाँ पे सिर्फ थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एक्सपेरिमेंटल साइंस पे यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं, इस थ्योरी को प्रैक्टिकल नहीं करवा के दिखाया जाता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में भी सब लोग जो है एक्सपेरिमेंटल साइंस पे किसी का फोकस नहीं, थ्योरी ही सब लोग, थ्योरी पे ही सबका फोकस है। फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है कि आप ये कह सकते हो कि एक्सपेरिमेंटल साइंस इज़ वेरी पुअर इन इंडिया, ठीक है, फोकस एंड फोकस इज़ ऑलवेज ऑन थ्योरी। उसके बाद यहाँ पे है कि जो हेड ऑफ साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ठीक है, हेड ऑफ जो भी कोई साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उसका जो हेड है, ठीक है, तो दे आर मोस्टली साइंटिस्ट, वो साइंटिस्ट तो होते हैं बट दे आर साइंटिस्ट टर्न ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला, जिसकी जितनी पॉलिटिकल पेट्रोनेज होगी उनको उतनी फंडिंग मिलेगी, ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट टर्न ब्यूरोक्रेट्स। उसके बाद यहाँ पे रोल ऑफ वुमेन बहुत ही ज़्यादा वीक है, बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है, तो इसको भी, इस एरिया पे भी जो है फोकस होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे है कि जो अभी स्टेट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, उसमें जो है इंडिया साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस आर ब्लाइंड स्पॉट। देखो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है यहाँ पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है हर फील्ड में चाहिए, ठीक है, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आपका एनवायरनमेंट हो, एनवायरनमेंट से इकोनॉमी तक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डिफेंस से मेडिकल तक, ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है हर सेक्टर में चाहिए, तभी जो है इंडिया ग्रो कर सकता है, इंडिया की जो ग्रोथ है तभी पॉसिबल है, ठीक है। अदरवाइज कितने सारे प्रोग्राम्स हैं जैसे मेक इन इंडिया, ठीक है, उसके बाद आधार को भी अगर हमें सेफ करना है, सेफ रखना है, उसका डेटा भी अगर हमें सेफ रखना है, तो उसमें भी हमें जो है अलग अलग इनोवेशंस और रिसर्च वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो मेडिकल मेडिकल वर्क में आपको रिसर्च करवाना पड़ेगा, स्पेस स्पेस फिलहाल हमारा जो इसरो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट हमें हर फील्ड में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़, तो यहाँ तक कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, ठीक है, तो सब में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो यहाँ पे स्टेट मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा रोल होना चाहिए इंडिया के साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का, ठीक है। उसके बाद जो लोग रीज़न और रैशनल होने की कोशिश करते हैं, मतलब रीज़न, ठीक है, किसी भी चीज़ के पीछे उसका रीज़न ढूंढते हैं, तो दे आर मोस्ट वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म। सबसे बड़ा जो हमारा सोसाइटल एटीट्यूड है वो ये है कि अगर कोई ज़्यादा ही रीजंस और इन सब के पीछे भागता है तो ही और शी मे बी वल्नरेबल टू क्रिटिसिज्म, ठीक है, उसको ज़्यादातर क्रिटिसाइज किया जाता है। तो ये जो है, ये कुछ यहाँ पे गैप्स हैं। फोकस करना होगा हमें रीज़न पे, ठीक है, हमें फोकस करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हो, उनमें प्रॉपर फंडिंग हो, जो रिसर्च हो वो रिसर्च वर्क जो है एक्सपेरिमेंटल साइंस, कोलैबोरेशन ऑफ साइंटिस्ट, ठीक है। उसके बाद फंडिंग तो किसी की भी फंडिंग, प्रॉपर फंडिंग होनी चाहिए उसमें, क्योंकि रिसर्च में जो है सालों साल लग जाते हैं। आगे चलते हैं, ये है वर्ल्ड इनइक्वालिटी, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है, वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2018 के हिसाब से ये कंट्री वाइज बताया है कि कौन सी कंट्री जो है, देखो इंडिया जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया में इनइक्वालिटी, यहाँ पे इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी की बात हो रही है, तो इंडिया उसके उससे ऊपर है वेस्ट एशिया, देन यहाँ पे, यहाँ से देखें तो शेयर ऑफ नेशनल इनकम इन परसेंट, ठीक है, तो 37, 41, यूएस कनाडा 47, इंडिया में 55। इसका मतलब क्या है, टॉप 10% लोगों के पास, जो टॉप 10 रिच पीपल हैं उनके पास जो है 55% ऑफ नेशनल इनकम है, ठीक है। तो जो टॉप 10 रिच
लोग हैं उनके पास 55% ऑफ नेशनल इनकम है। तो यहाँ पे यही चीज़ दी हुई है, टॉप 10% नेशनल इनकम शेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है, रीजन कंट्री वाइज इंडिया इज अमंग द मोस्ट अनइक्वल, इनइक्वालिटी की बात हो रही है यहाँ पे। इफ द शेयर ऑफ नेशनल इनकम ऑफ टॉप 10% ऑफ पॉपुलेशन इज कंसीडर्ड, तो टॉप 10 के हिसाब से है यहाँ पे। आगे इस आर्टिकल में देखते हैं, जैसे ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट पर है, तो इसमें ये चीज़ बोली गई है कि हमेशा ये बोला बोला जाता है, जब भी इनइक्वालिटी की बात आती है, जब भी इनइक्वालिटी की बात आती है, तो ये बात बोली जाती है कि जो रिच लोग हैं उनको जो है उन पे आप टैक्स लगाइए, ठीक है, और फिर उसको, उस पैसे को आप रीडिस्ट्रीब्यूट कीजिए पुअर पीपल को। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको जो है इसको बोला गया है कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, इससे जो है पुअर पीपल को कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, जो गरीब लोग हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे। तो यहाँ पे ये चीज़ दी गई है कि एज एक्सपेक्टेड फाइंडिंग हैज़ बीन यूज्ड बाय मैनी टू आर्ग्यू दैट रिच शुड बी टैक्स्ड मोर टू हेल्प पुअर, द लॉजिक इज दैट द रिच गेट रिचर एट द एक्सपेंस ऑफ पुअर। तो लॉजिक अक्सर ये होता है कि जो रिच हैं वो रिच बनते हैं गरीब लोगों के दम पे, ठीक है, उनका खून चूस के जो है लोग रिच बन जाते हैं, तो इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए उन पे, और उस मनी को जो है रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए पुअर पीपल्स में, ठीक है, पुअर पीपल में। तो अब यहाँ पे लेकिन ये लॉजिक जो है, तो यहाँ पे है कि सो टैक्सेस दैट रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ आर ओनली अ रैशनल रिस्पॉन्स टू इनइक्वालिटी, बट यहाँ पे ये बताया गया कि ये लॉजिक जो है वो गलत है। कैसे गलत है? रिच एंड मिडिल क्लास कंट्रोल अ मेजर शेयर ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेस, ठीक है, दे इंजॉय हाई इनकम फ्रॉम बेटर जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे ये चीज़ दी गई है, व्हाट इज़ नॉट ट्रू हाउएवर इज दैट पुअर विल गेट टू एंजॉय मैनी लग्जरीज इफ ओनली द रिच वर टैक्स्ड मोर एंड द मनी वॉज यूज टू राइट वेलफेयर चेक्स टू पुअर, दस बूस्टिंग देयर परचेजिंग पावर। इंस्टेड व्हेन टैक्सेज आर हाई, पीपल हु हेल्प प्रोड्यूस द गुड्स दैट द रिच एंड मिडिल क्लास इंजॉय टूडे विल हैव लेस ऑफ एन इंसेंटिव टू डू देयर जॉब्स एज बिफोर। तो यहाँ पे बोला गया कि अगर आप रिच लोगों को अगर आप टैक्स लगा दोगे, तो वो लोग जैसे जो बिजनेसमैन हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इनफ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अगर आप इन पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाओगे, तो फिर ये भी जो है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में। ठीक है, व्हेन इंस्टेड व्हेन टैक्सेस आर हाई, पीपल हु हेल्प प्रोड्यूस द गुड्स विल हैव लेस ऑफ एन इंसेंटिव। ठीक है, तो इनको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट प्लस इनको उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा उन चीज़ों से। ठीक है, तो जब बेनिफिट नहीं होगा तो वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे है कि व्हेन टैक्सेस आर हाई, पीपल हु हेल्प प्रोड्यूस द गुड्स विल हैव लेस ऑफ एन इंसेंटिव टू डू देयर जॉब्स एज बिफोर। यहाँ पे इन्होंने वर्कर्स का एग्जाम्पल दिया है कि वर्कर्स में नो लॉन्गर बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स हाई स्किल जॉब्स। जैसे कोई वर्कर है, अगर वो हाई पेड जॉब में अगर वो एम्प्लॉयड है, ठीक है, अगर वो उसमें काम कर रहा है, लेकिन अगर टैक्सेस हाई है, हाई टैक्सेस की वजह से इसको इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो इतना कोई इसको इतना इंसेंटिव इसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मे नॉल नो लॉन्गर बी अट्रैक्टेड टूवर्ड हाई स्किल जॉब व्हेन देयर इनकम फ्रॉम सच जॉब इज टैक्स्ड एट हाई रेट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ बोली गई है। उस दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल वर्कर का था, दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे इन्वेस्टर्स का है कि अगर आप इतना हाई टैक्स लगाओगे, तो इन्वेस्टर्स भी जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे, ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे। ठीक है, विल हैव लेसर रीजन टू पुट इन देयर मनी इन क्रूशियल प्रोजेक्ट्स व्हेन देयर प्रॉफिट्स आर टैक्स्ड एट हाई रेट। जब उनके प्रॉफिट पर आप इतना हाई टैक्स लगा दोगे, तो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड एनी मोर। ठीक है, उसके बाद इनफैक्ट इंडिया बिफोर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन फेस दिस प्रॉब्लम व्हेन इट ट्राइड टू टैक्स इट्स वे टू प्रॉस्पेरिटी। उसके बाद सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि इनेबलिंग मोबिलिटी। तो इन्होंने बोला है कि ये जो इनकम इनइक्वालिटी है, ये हमेशा से थी और ये हमेशा ही रहेगी। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी जब तक है तब तक ये इनकम इनइक्वालिटी रहेगी। यहाँ पे ये बात बोली गई है कि
वेयर पीपल आर अलाउड टू एक्सचेंज इन टू एंगेज इन फ्री एक्सचेंज एंड अर्न इनकम अकॉर्डिंग टू देअर पर्सनल कैपेबिलिटी. मार्केट इकोनॉमी में क्या होता है, पीपल आर अलाउड टू एंगेज इन फ्री एक्सचेंज एंड अर्न इनकम अकॉर्डिंग टू देअर पर्सनल कैपेबिलिटी. सब अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से इनकम अर्न करते हैं. फिर उसके बाद आता है कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि डॉक्टर जो है वो प्लम्बर से कई गुना ज़्यादा कमाता है. क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज ऑफरिंग अ रेयर सर्विस. ठीक है, प्लम्बर किसी को ठीक नहीं कर सकते और जो काम प्लम्बर कर सकते हैं वो डॉक्टर नहीं कर सकते. ठीक है, तो डॉक्टर जो है वो एक रेयर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए जो है दे आर अर्निंग हाई इनकम्स. तो यहाँ पे चीज़ बोली है. दूसरा यहाँ पे, हायर इनकम ऑफ द रिच एंड मिडिल क्लास डू नॉट लास्ट फॉर एवर. तो यहाँ पे एक पॉइंट है कि जो रिच लोगों की जो हाई इनकम है वो हमेशा ही नहीं रहती है. ठीक है, यहाँ पे जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो जियो का. क्यों क्यों नहीं रहती है हमेशा? क्योंकि कोई ना कोई न्यू प्लेयर जो है मार्केट में आता रहता है, कोई ना कोई न्यू प्लेयर मार्केट में आता है और फिर उसको बेनिफिट होता है और जो एग्जिस्टिंग है उनकी इनकम जो है वो डाउन हो जाती है. तो यहाँ पे बेस्ट एग्जांपल है, अभी आप जैसे आपने जियो का देखा. ठीक है, जियो आया और तो उसके बाद जो है जो जितने भी बाकी टेलीकॉम प्रोवाइडर हैं जैसे एयरटेल एंड वोडाफोन एट्सेट्रा, तो उनकी इनकम जो है डाउन हो गई और उस टाइम पे जियो की इनकम बढ़ गई. ठीक है, तो ये सब चीज़ें. तो यहाँ पे ये पॉइंट बोला गया है कि द हायर इनकम ऑफ द रिच एंड मिडिल क्लास डू नॉट लास्ट फॉर एवर इन अ मार्केट प्लेस दैट इज़ फ्री टू लीगल एंट्री बैरियर्स. ठीक है, तो यहाँ पे कोई बैरियर नहीं है, यहाँ पे न्यू प्लेयर्स कभी भी एंट्री ले सकते हैं. उसके बाद यहाँ पे मोर पीपल विल बी अट्रैक्टेड टूअर्ड प्रोफेशंस एंड बिजनेस दैट ऑफर हाइयर रिटर्न. तो जिस प्रोफेशन या जिस बिजनेस में लोगों को हाई रिटर्न मिलेगा, ठीक है, तो ज़्यादातर लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, अगर उनका उनको इतना इंसेंटिव नहीं मिलेगा तो क्यों कोई उस जॉब को करने के लिए जाएगा, ये बात यहाँ पे बोली हुई है. तो उसके बाद है इनकम मोबिलिटी विच रिफ्लेक्ट. अब इनकम मोबिलिटी क्या होता है? इनकम मोबिलिटी रिफ्लेक्ट्स द नंबर ऑफ पीपल मूविंग अप एंड डाउन द इकोनॉमिक लैडर एंड वेज टू फोस्टर इट रादर देन इनइक्वालिटी. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि इनकम मोबिलिटी पे फोकस किया जाए, इनकम मोबिलिटी पे यहाँ पे फोकस किया जाए विच रिफ्लेक्ट नंबर ऑफ पीपल मूविंग अप एंड डाउन द इकोनॉमिक लैडर एंड वेज टू फोस्टर इट रादर देन इनइक्वालिटी. तो इनइक्वालिटी पे फोकस करने की बजाय जो है इनकम मोबिलिटी पे फोकस किया जाए. यहाँ पे है कि इनफैक्ट इनकम इनइक्वालिटी माइट इवन वाइडन ड्यूरिंग टाइम्स. फिर उसके बाद है टू एनेबल मोबिलिटी हाउएवर द गवर्नमेंट नीड्स टू लुक बियॉन्ड टैक्सेस एंड हैंडआउट्स एंड एंश्योर सोशल गुड्स जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर फॉर ऑल इन ऑर्डर टू प्लेइंग द लेवल फील्ड सॉरी टू इन ऑर्डर टू लेवल द प्लेइंग फील्ड. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि इनकम मोबिलिटी पे आप फोकस करें और ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं लोगों को कि नहीं, जैसे एजुकेशन हेल्थ केयर, तो इस पे आप फोकस करें. ठीक है, गवर्नमेंट को इन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इनइक्वालिटी पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं, टैक्सेस पे जो है इतना ज़्यादा फोकस ना करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड हो रहे हैं कि नहीं, ये इस पे फोकस होना चाहिए गवर्नमेंट का, लाइक एजुकेशन हेल्थ केयर एंड ऑल. तो ये इस आर्टिकल में बोला गया था. उसके बाद है फॉर अ फ्री साइबर स्पेस. तो जैसे कि मैंने बोला कि साइबर स्पेस है तो साइबर सिक्योरिटी पर ये आर्टिकल बेस्ड है. तो क्यों इंडिया को साइबर सिक्योरिटी चाहिए? क्योंकि इंडिया इज वन ऑफ द की प्लेयर इन डिजिटल एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी होल्डिंग 50% शेयर ऑफ द वर्ल्ड्स आउटसोर्सिंग मार्केट. More than 50% of 50% share of world's outsourcing market. उसके बाद यहाँ पे है pioneering and technology inspired program, जैसे कि आधार हो गया, माई गवर्नमेंट, फिर गवर्नमेंट ई मार्केट, डिजी लॉकर हो गया, भारत नेट हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्किल इंडिया हो गया, स्मार्ट सिटीज हो गया, आर प्रॉपलिंग इंडिया टूअर्ड्स टेक्नोलॉजिकल कॉम्पिटेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, तो इतने सारे प्रोग्राम्स, इतने सारे गवर्नमेंट ने अपने अलग अलग प्रोग्राम्स जो हैं वो लॉन्च किए हैं. तो ये सब प्रोग्राम्स जो हैं प्रॉपर फंक्शन करते रहें, ठीक है, लोगों को इनसे बेनिफिट मिलता रहे, तो
इसके लिए जो है हमें साइबर सिक्योरिटी, जैसे आधार है फॉर एग्जांपल, आधार है ठीक है, तो आजकल गवर्नमेंट फोकस कर रही है कि आधार जो है वो बैंक अकाउंट से लिंक्ड हो, आधार जो है वो पैन अकाउंट से लिंक्ड हो, आधार जो है वो मोबाइल फोन से लिंक्ड हो, तो सब। और आधार में क्या है, लोगों का बायोमेट्रिक डेटा है जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। कोई और डेटा अगर खो जाता है तो वो वापस आने के चांसेस हैं, बट अगर आपका बायोमेट्रिक डेटा खो जाता है ठीक है, लाइक योर फिंगरप्रिंट्स ठीक, तो ये सब चीज़ें जो है वापस नहीं आती हैं। फिंगरप्रिंट तो एक ही होते हैं, यूनिक पीस होते हैं ठीक है। ऐसे डेटा को, ऐसे सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिजी लॉकर हो गया ठीक, भारत नेट हो गया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, तो ऐसे प्रोग्राम्स आजकल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं। उसके बाद यहाँ पे है इंडिया, ये प्रोग्राम्स जो हैं क्या करेंगे, ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है एक डिजिटल नेट में लेकर आएंगे ठीक है। इंडिया इज ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट हब फॉर टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। इट्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इज एस्टिमेटेड टू रीच $225 बिलियन लैंडमार्क बाय 2020 ठीक है। उसके बाद इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी, एनहांस्ड कनेक्टिविटी, इंक्रीजिंग इंटीग्रेशन इन कॉमर्स एंड गवर्नेंस ऑल्सो मेक इंडिया द फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री, ऑल्सो मेक इंडिया द फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेज ठीक है। तो जितनी ज़्यादा इनोवेशन बढ़ रही है टेक्नोलॉजी में, जितनी ज़्यादा कनेक्टिविटी हो रही है, इंटीग्रेशन इन कॉमर्स एंड गवर्नेंस, उतना ही ज़्यादा इंडिया जो है वल्नरेबल भी हो रहा है फॉर साइबर अटैक ठीक है, उतना ही ज़्यादा साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे लिखा है ऑल्सो मेक इंडिया द फिफ्थ मोस्ट वल्नरेबल कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस अकॉर्डिंग टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट रिपोर्ट ऑफ 2017 बाय सीमेंटिक ठीक। उसके बाद यहाँ पे जो है इंडिया का जो CERTN है उसके, उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो है टिल जून 2017 27,482 साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैव बिन रिपोर्टेड इन द कंट्री। तो इतने साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है जून तक रिपोर्ट किए गए इंडिया में अकॉर्डिंग टू CERTN। तो एज दिस इज 23% इंक्रीज, मतलब 2014 की फिगर से अगर हम कंपेयर करें तो 2017 में जो है 23% इंक्रीज देखा गया साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स में। इट कोइंसाइड्स विद रैपिड ग्रोथ एंड इनोवेशन इन ICT सेक्टर। तो जितनी ज़्यादा रैपिड ग्रोथ होगी, जितनी ज़्यादा इनोवेशन होगी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में, उतना ही ज़्यादा जो है साइबर अटैक्स के लिए वल्नरेबल होगा इंडिया ठीक। उसके बाद यहाँ पे है सेकेंड ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन इन जुलाई विच मेजर द कमिटमेंट ऑफ नेशंस टू साइबर सिक्योरिटी, फाउंड दैट इंडिया रैंक 23 आउट ऑफ 165 नेशन। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसे एक्नॉलेज नहीं किया है, गवर्नमेंट इसे एक्नॉलेज कर रही है और स्टेप्स लेने की कोशिश भी कर रही है। तो यहाँ पे जैसे एक BN श्री कृष्णा की कमिटी भी है डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क को बनाने के लिए ठीक है। तो यहाँ पे है कि इंडिया जो है इन सब स्टेप्स में जो कमिटमेंट है, विच मेजर द कमिटमेंट ऑफ नेशंस टू साइबर सिक्योरिटी, फाउंड दैट इंडिया रैंक्ड 23 आउट ऑफ 165 नेशंस। उसके बाद है टाइप्स ऑफ अटैक। तो जैसे रैंसमवेयर है इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट थ्रेटन टू पब्लिश अ पर्सनस डेटा और ब्लॉक इट अनलेस रैंसम इज पेड। रैंसम मीन्स होता है फिरौती, तो जब तक फिरौती नहीं मिल जाती वो लोग अब डेटा जो है एक तरह से ब्लॉक कर देते हैं या थ्रेट देते हैं कि हम आपका डेटा जो है वो पब्लिश कर देंगे, इंटरनेट पे डाल देंगे तो आप हर कोई आपका डेटा देख सकता है ठीक है, या उसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो जैसे देखा था हमने कि वॉनाक्राई, पेटिया, लॉकी, तो ये बाकी रैंसमवेयर अटैक्स हैं
जो ऑल ओवर द वर्ल्ड देखे गए 2017 में, ठीक है, वॉनाक्राई और पेटिया के बारे में हमने सुना है। उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली द रैनसम डिमांड्स ऑल्सो इंक्रीज। तो ये दोनों जो रैनसम वेयर अटैक्स हैं, जब ये जब देखा कि हाँ ये दोनों अटैक्स जो है सक्सेसफुल रहे हैं, तो बाकी अटैक्स भी होने लगे। अब उसमें जो है उस इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ये जो डिमांड, जो ये रैनसम डिमांड्स हैं, जो ये फिरौती की डिमांड है, ये जो है और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो अब इससे जो है बिटकॉइन भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये रैनसम में क्या बिटकॉइंस के थ्रू ही पेमेंट चाह रहे थे, ठीक है। उसके बाद देखने को मिला कि डेटा ब्रीचेस, तो जोमेटो फूड ऐप जो है और उबेर, इसमें ड्राइवर और जो पैसेंजर्स हैं उनका डेटा, ठीक है, जो लोग उसको यूज़ करते हैं, जो यूज़र्स हैं, ड्राइवर्स हैं, सबका डेटा जो है ब्रीच, इसमें डेटा ब्रीच देखा गया था। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से देखें अगर, तो विंडोज़ जो है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है साइबर अटैक्स को। उसके बाद एंड्रॉइड्स में अटैक देखे गए, मैक में अटैक देखे गए, ठीक है। तो इन 2016 फर्स्ट नोन रैनसमवेयर की रेंजर टारगेटिंग मैक यूजर्स वाज आल्सो रिपोर्टेड। उसके बाद यहाँ पे है एक बॉटनेट मालवेयर है अफेक्टेड 2.5 मिलियन होम राउटर्स यूजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे होम राउटर यूजर्स एंड अदर इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज़, एंड्रॉइड्स, मैक, ठीक, फिर उसके बाद होम राउटर यूजर्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस। उसके बाद गिवन द ह्यूज नंबर ऑफ ऑनलाइन यूजर्स एंड कंटिन्यूड एफर्ट्स ऑन अफोर्डेबल एक्सेस, साइबर सिक्योरिटी नीड्स टू बी इंटीग्रेटेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग। तो अब ये जो है ये स्लाइड है एक्शन टेकन से रिगार्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 15th एशिया पैसिफिक कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम कॉन्फ्रेंस हुई दिल्ली में। तो यहाँ पे जो है रविशंकर प्रसाद, जो जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उन्होंने हाईलाइट करी द नीड फॉर रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। द गवर्नमेंट इज कीन टू फंड साइबर सिक्योरिटी रिसर्च। गवर्नमेंट जो है साइबर सिक्योरिटी रिसर्च को फंड करना चाहती है। अभी लास्ट टॉपिक में मैंने बोला कि फंडिंग जो है सबसे बड़ी ऑब्स्टेकल होती है, फंडिंग की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स नहीं हो पाती। बट यहाँ पे इसमें जो है गवर्नमेंट खुद चाहती है कि वो साइबर सिक्योरिटी रिसर्च पे फंडिंग प्रोवाइड करें, ठीक है। तो यहाँ पे रविशंकर प्रसाद ने हाईलाइट किया द नीड फॉर रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क। इट विल अवार्ड अ ग्रांट वर्थ ₹5 करोड़ टू स्टार्टअप्स वर्किंग ऑन इनोवेशन इन द फील्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे जो स्टार्टअप्स जो हैं जो इनोवेशन करना चाहते हैं साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, उनको ₹5 करोड़ भी इन्होंने ग्रांट करने की बात की। उसके बाद ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन ऑन साइबर स्पेस 2017 में ये देखा गया देयर मस्ट बी एन एनहांस्ड कॉपरेशन अमंग नेशंस एंड रीअफर्म्ड अ ग्लोबल कॉल टू एक्शन फॉर यूनाइटेड नेशन मेंबर्स, ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर्स टू नॉट अटैक द कोर ऑफ इंटरनेट इवन इन द स्टेट ऑफ वॉर। यानी कि अगर वॉर चल भी रही है तो इंटरनेट को ना अटैक किया जाए। तो ऐसी जो है यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे हाईलाइट की गई कि देयर मस्ट बी एन एनहांस्ड कोऑपरेशन अमंग नेशंस एंड री अफर्म्ड अ ग्लोबल कॉल फॉर एक्शन फॉर ऑल यूनाइटेड नेशन मेंबर, कि सभी यूनाइटेड नेशन मेंबर्स के बीच में जो है ये एक तरह से ये समझौता हो कि अगर किसी दो मेंबर के बीच में अगर वॉर चले भी तो जो कोर ऑफ इंटरनेट है उसको ना अटैक किया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे है देयर इज अ नीड फॉर अ जेनेवा लाइक कन्वेंशन टू एग्री ऑन सम हाई लेवल रिकमेंडेशंस अमंग नेशंस टू कीप इंटरनेट सेफ, ओपन, यूनिवर्सल एंड इंटरऑपरेबल। तो यहाँ पे ये जो समरी है इन द नटशेल, इंडिया नीड्स टू क्विकली फ्रेम एन अप्रोप्रिएट एंड अपडेटेड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। एक हमें पॉलिसी चाहिए, ठीक है, अप्रोप्रिएट एंड अपडेटेड साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, क्रिएट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, प्लस हमें फोस्टर क्लोजर कोलैबोरेशन, ठीक है, बिटवीन ऑल दोज इन्वॉल्व टू इंश्योर अ सेफ साइबर स्पेस। तो ये जो है इसको समराइज करके ये कंक्लूजन निकलता है कि इंडिया को एक अप्रोप्रिएट और अपडेटेड पॉलिसी चाहिए और
इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए प्लस क्लोजर कोलैबोरेशन चाहिए। तो ये थे आज के एडिटोरियल्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।